छिंदवाड़ा के देहात थाने इलाके में 5 साल की मासूम का अपहरण करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार किया है। एसपी विवेक अग्रवाल ने बताया है कि पेरोल पर छूटा एक आदतन अपराधी काम मांगने का बहाना बनाकर निर्माणधीन बिल्डिंग में घुसा था। इसी दौरान वहां पर रह रही 5 साल की बच्ची को बिस्किट का लालच देकर बहला फुसलाकर अपने साथ बाइक में अपहरण कर लिया। पीड़िता के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल और पुलिस की सजगता से थाने से कुछ किलोमीटर दूर ही एक सुनसान इलाके में कुलबहरा बांध के पास बच्ची को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी पहले भी किसी जज के घर चोरी कर चुका है और बलात्कार का आरोपी भी है। कुछ दिन पहले ही पेरोल पर आरोपी जेल से बाहर आया था। एसपी विवेक अग्रवाल ने कहा है कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थाना देहात क्षेत्र से आज एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमे एक लगभग 5 वर्षीय बच्ची के उसके घर से किसी व्यक्ति द्वारा ले जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। घटना की तस्दीक करने पर पाया गया कि एक लगभग 5 वर्ष की नाबालिग बच्ची को किसी व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती उसके घर से अपहरण करके ले जाया गया। पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया और तत्काल मामले की छानबीन शुरू की और तात्कालिक और प्रभावशाली विवेचना और फील्ड में की गई मेहनत के परिणाम स्वरूप बच्ची को सकुशल आरोपी के पास से सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया है और बच्ची सुरक्षित है। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जाँच आगे की जा रही है। जाँच में और जो भी तथ्य सामने आएंगे। छिंदवाड़ा से बीसीएन न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।